हाय एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, वो हमने सीख लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर वो लेक्चर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट उसका होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी सर्कल को अगर 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब उसके सर्कमफ्रेंस को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, ये भी रिक्वायरमेंट पड़ता है, इसका भी ज़रूरत होती है हमें, तो कहीं कहीं इसका देख लेंगे कैसे होता है, और फिर उसके बाद एक 8 इक्वल पार्ट में भी देख लेंगे कैसे होता है। तो एक बार आप वीडियो में कमेंट करके बोलिएगा कि अगर एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं तो उसके सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बनता है, कितने डिग्री का वहाँ पर एंगल बनता है, वो आप लोग वहाँ पर बताइएगा एक बार कमेंट करके। तो कोई भी गिवन क्या बोल रहा है, टू डिवाइड अ सर्कल ऑफ अ गिवन रेडियस इनटू 12 इक्वल पार्ट्स, कोई भी गिवन रेडियस का, कोई भी रेडियस का दिया हुआ है, 50 mm, 40 mm, 60 mm, या फिर डायमीटर उतना है, 50 डायमीटर का है, तो कितना उसे हमें 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे। मान लीजिए मैं एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, पहले ड्रॉ करके दिखाता हूँ फिर आपको। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर, ये हमने सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, कोई भी रेडियस का होगा, मान लीजिए 50-40 mm इसका डायमीटर है या 50 mm डायमीटर है, उसका हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब इसे हमें 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन सेंटर को लेते हुए ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब एक पहले हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और फिर उसका 90 डिग्री होना चाहिए, ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब इसको 4 इक्वल पार्ट में हमें खुद से पहले डिवाइड कर लेना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके, मतलब एक 90 डिग्री यहाँ पर ड्रॉ करना होगा, तो 90 डिग्री पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 90 डिग्री आप या तो कंपास के हेल्प से कर लो या फिर आप डायरेक्टली प्रोटेक्टर लगाकर कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ हमें सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं वो करेंगे, बाकी भी आपको कैसे ड्रॉ करना है 90 डिग्री वो आप खुद से कर लोगे। यहाँ पर मैं स्केल से ही कर ले रहा हूँ, बिकॉज फिर 90 डिग्री ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा तो फिर उसमें भी टाइम लग जाएगा, आपको खुद से ड्रॉ कर लेना है इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक हॉरिजॉन्टल हमने ड्रॉ कर लिया और एक उसका जस्ट वर्टिकल हमने ड्रॉ कर लिया, सर्कल हमारा 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब इसको हमें 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो वो हमें सीखना है कि कैसे डिवाइड होगा। इसके लिए क्या करना है, जो भी रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ किया है कंपास में सेम रेडियस होना चाहिए, रेडियस आपको चेंज नहीं करना है, सेम रेडियस का आपको कंपास में रखना है। उसके बाद आप नेमिंग कुछ कर सकते हो, यहाँ पर मान लीजिए मैं कर दिया यहाँ पर फिलहाल ABCD कर देता हूँ, बाद में इसको फिर चेंज कर देंगे, ABCD आपको बताने के लिए यहाँ पर मैं ABCD कर दिया हूँ, बाद में इसको फिर चेंज कर दूँगा। अब क्या करना है, कंपास का टिप यहाँ रखना है, रेडियस आपको सेम ही रखना है, रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए, रेडियस आपको सेम रखना है कंपास में, सेम रेडियस आपको कंपास में रखना है। उसके बाद कंपास का टिप ए पॉइंट पर रखना है और एक कट आपको क्या करना है, ऊपर में इस साइड कट कर लेना है और एक कट नीचे में, एक आर्क नीचे में आपको कट कर लेना है, सेम रेडियस का होना चाहिए, रेडियस आपको चेंज नहीं करना है, एक कट ऊपर में और एक कट नीचे में कर लेना है। उसके बाद ए पर हमने रखा, अब क्या करेंगे, बी पर रखेंगे, बी पर रखकर एक कट यहाँ मार देंगे एक सर्कमफ्रेंस पर और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। उसी तरह से सी पर, सारे पॉइंट पर वैसे ही करना है, सी पॉइंट पर हमने कंपास का टिप रखा, उसके बाद एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर लिया और एक आर्क ऊपर में ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली बी डी पर रखेंगे, सेम रेडियस का कंपास का, जो भी रेडियस था अपना सर्कल का, सेम रेडियस हम लोग को देख लेना है एक बार है कि नहीं, सेम रेडियस का रखना है। उसके बाद डी पर हमने रखा और एक आर्क यहाँ पर कट कर लिया, ये सर्कल हमारा डिवाइड हो गया है, बस इस साइड हमारा बचा हुआ है, इस साइड हम लोग सेम करेंगे, यहाँ पर सर्कल हमारा डिवाइड हो गया है। अब जो जो पॉइंट मिला उस पर आप चाहे तो नेमिंग कर सकते हो या उसको सेंटर से मिला भी सकते हो, मिलाने की ज़रूरत होगा तो मिला लेंगे, अदरवाइज़ नहीं भी मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा। इसको फर्स्ट वाले पॉइंट को यहाँ 1 दे देते हैं, यहाँ पर 2 दे देते हैं, यहाँ पर 3 दे देते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हमारा सर्कल 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। आप चाहे तो इसको सेंटर से मिला भी सकते हो, ऐसे मिला दोगे तो डिवाइड डिवीज़न आपको दिखेगा, चाहे हो तो मिला भी सकते हो, उसको सेंटर से क्रॉस करना करेगा, वो ऑटोमेटिक क्रॉस करेगा, बिकॉज इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है तो वो ऑटोमेटिक क्रॉस करने वाला है। मिलाने की ज़रूरत होगी तो आपको मिलाना है, अदरवाइज़ नहीं मिलाना है। जब हम लोग सॉलिड सेक्शन ऑफ सॉलिड या सॉलिड का प्रोजेक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, बट आपके सिलेबस में तो वो है नहीं, फिर भी मैं करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। ऐसे ऐसे आप मिलाओगे तो वो 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सेंटर से 3 पॉइंट को आपको मिला लेना है, ये 9 पॉइंट, ये सेंटर और 3 पॉइंट, ऑटोमेटिक वो उसी लाइन से क्रॉस होने वाला है। थोड़ा सा एरर मेरा यहाँ पर आ रहा है, बिकॉज मैं यहाँ पर बोर्ड पर करता हूँ तो थोड़ा स्लिप कर जाता है, बट आप लोग एग्जैक्ट बनाओगे तो आपका ठीक आने वाला है।
ये सर्कल 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। बीच का अगर आप नहीं भी ड्रॉ करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, बट हमें सीखना था क्या कि सर्कमफ्रेंस को डिवाइड करना है 12 इक्वल पार्ट में। आप चाहो तो बीच को आप नहीं भी मिला सकते हो, वो इशू नहीं है, वो मिलाना कंपलसरी नहीं है। बस मैं आपको मिलाकर दिखा दिया, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ता है तो वैसे हम लोग को मिलाना होता है। बट अगर ज़रूरत नहीं होगा तो सिर्फ हम लोग बाहर को कट कर लेंगे और नेमिंग बाहर में कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, वो हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्कल जो बनता है, यहाँ पर सेंटर पर अगर हम लोग एंगल देखेंगे तो ये 360 डिग्री बनता है। तो एक डिवीज़न यहाँ पर कितना होता है, एक डिवीज़न यहाँ पर 30 डिग्री होता है, दो डिवीज़न 60 डिग्री, और ये जो हम लोग यहाँ पर देखे थे स्टार्टिंग में जो डिवीज़न हुआ था वो डिवीज़न हमारा 90 डिग्री था। आप लोगों को ध्यान में होगा यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, स्टार्टिंग में हमारा ऐसे बना हुआ था, यहाँ पर एक डिवीज़न 90 डिग्री, टोटल जो होता है वो 360 डिग्री है। अब इसी में हम लोग सीख लेते हैं कि अगर ये 12 इक्वल पार्ट ना बोलकर अगर 8 इक्वल पार्ट बोलेगा तब हम लोग इसको कैसे करेंगे। ऑलरेडी 4 इक्वल पार्ट में है बट अगर 8 इक्वल पार्ट में बोलता है तब हम लोग कैसे करेंगे। इसी में मान लीजिए 6 का ये 2 मान लीजिए, अब 8 इक्वल पार्ट में बोलता है तब हम लोग कैसे करेंगे। इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से। 8 इक्वल पार्ट में बोलेगा तो ये हमारा 90 डिग्री एक एक डिवीज़न है, तो अगर इसको हम लोग 45 डिग्री में कन्वर्ट कर दें तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 8 इक्वल पार्ट में। तो क्या करना होगा हम लोगों को उसके लिए, ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर 45 डिग्री पर इसको हमें डिवाइड करना होगा। उसके लिए भी सेम करना है हम लोगों को, क्या करना है, कोई भी एंगल है 90 डिग्री उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, जैसे आर्क को डिवाइड करते हैं, इस आर्क को हम लोगों को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, एक आर्क यहाँ बना देंगे, ये रेडियस आप चेंज भी कर सकते हो, ये क्या करना है हाफ से ज़्यादा थोड़ा सा लेना है। सेम रेडियस भी ले सकते हो, सेम रेडियस भी लोगे तो आर्क बनेगा वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे, कट करेंगे, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। उसी तरह से इस साइड भी कर लेंगे, एक आर्क इधर बना लेंगे और एक आर्क इधर बना लेंगे, फिर से मिला लेते हैं, हो सकता है स्लिप कर गया ये यहाँ पर है। अब क्या करेंगे, इसको सेंटर से मिला लेंगे तो हमारा ये इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ऐसे। ये 12 नहीं है, ये 8 इक्वल पार्ट है, यहाँ पर हम सीख रहे हैं 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, सेंटर से मिलेगा ये। यहाँ जहाँ पर इंटरसेक्शन मिला है उसको सेंटर से हम लोग मिला लेंगे, ये सर्कल हमारा डिवाइड हो गया 8 इक्वल पार्ट में। आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर एक एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने 12 इक्वल पार्ट पहले देखा और 8 इक्वल पार्ट इजी है, 8 इक्वल पार्ट इसे हमें क्या करना था, 90 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था। एक आर्क यहाँ लिया, एक आर्क यहाँ लिया, उसी तरह से डी पर यहाँ रखकर एक कट यहाँ किया, एक कट यहाँ किया और उसको सेंटर से मिला दिया। सेंटर से मिलाकर पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दोगे, यहाँ से मिलाकर पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दोगे तो ऑटोमेटिक सारा 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हमने ये सर्कल का आज देख लिया है, इसके आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, आगे के लेक्चर में देख लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप चाहें तो वहाँ पर भी मैसेज करके मुझसे पर्सनली चैट कर सकते हैं, और फेसबुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। एक pekun.in का भी लिंक है, अगर चैनल से आप बेनिफिट ले रहे हैं और पर्सनली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके वहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं, बेनिफिट चैनल को बेनिफिट दे सकते हैं, कुछ चैनल के ग्रोथ में हेल्प हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर डाउनलोड करना होगा तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आगे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड रहूं, खुशी फील करूं, इसलिए एक बार वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और देखने के बाद लोगों में शेयर भी कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।